हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सेमी बायोफ्लॉक। तो आज हम लोग बात करेंगे ये सेमी बायोफ्लॉक क्या चीज़ है, क्या सच में ये कुछ अच्छा चीज़ है, फार्मिंग का भी है या फिर धंधाबाजी है, हम उसका बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का शुरू में हम बोलेंगे जो लोग मेरा वीडियो देखने आए हैं उन लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आपको लाइक सब्सक्राइब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ शेयर कीजिए और आप लोग अपना एक्सपीरियंस, आपका जो मतामत है वो आप कमेंट में बोलिए। आप ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, यही मेरा निवेदन है आपके पास। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि हम लोग सेमी बायोफ्लॉक चीज़ तो क्या है। तो बिफोर 7 मंथ्स हम ये शब्द सुने थे सेमी बायोफ्लॉक, तब हम बायोफ्लॉक कर रहे हैं अच्छा से अच्छा प्रॉफिट तो हम कर रहे हैं। तो हम सोचे क्या है ये चीज़, हम उतना नहीं देखे, उसका बाद हम फिर भी देखे कि क्या है। हम 2 महीना बाद हम थोड़ा बहुत इसका बारे में पूछा पूछी, ढूंढा ढूंढी, हम थोड़ा बहुत कुछ पेपर वेपर सब पढ़े, क्या बात है क्या नहीं है, कि थोड़ा यूट्यूब देखे, कुछ लोगों से बात किए, उसके बाद हमको जो पता चला ये क्या है। देखिए, आप लोगों ने तो पॉन्ड फार्मिंग सुना ही होगा, आप लोग देखते हैं, आपका लोकालिटी बोलिए, आपका विलेज बोलिए, सब जगह में आप लोग पॉन्ड फार्मिंग देखते हैं। तो वही पॉन्ड फार्मिंग को जस्ट कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए कुछ लोग, जिन लोगों का प्रोडक्ट्स का अभी मार्केट में रेपुटेशन 0 है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ नया नाम देखे वो लोग प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, वो लोग सेमी बायोफ्लॉक बोल के एक पॉन्ड कल्चर को छोटा जगह में भी आप लोग जो कर सकते हैं वो बोल के वो लोग चलाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कैसा क्या चीज़ है सेमी बायोफ्लॉक। अगर आप लोग देखिएगा, सेमी बायोफ्लॉक बोल के कोई टेक्नोलॉजी टिल डेट कैन नॉट प्रूव्ड बाय आवर क्या बोले वर्ल्ड फिशरी इंस्टीट्यूट या फिर आपका सीफा। ठीक है, जो लोग भी बोल रहे हैं आप उन लोग का बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, फिर आप लोग समझ पाएंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। और कुछ टीम मिलके वो लोग ये जस्ट इंसान लोग को वो ट्रेनिंग हो या फिर मटेरियल्स बेचने के बहाने से या फिर कंसल्टेंसी देके जस्ट पैसा अटेने के लिए वो लोग ये कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं उठाना चाहता, मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है वो नहीं बोल रहा हूँ, जब क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, आप देखिएगा, आप एक ठो पॉन्ड कल्चर कैसे करेंगे, पॉन्ड खोदेंगे, वाटर या फिर वाटर टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग करेंगे, अगर आपका सॉइल प्रॉपरली ठीक है नो प्रॉब्लम, या फिर आपको सॉइल तो ठीक करना पड़ेगा, मतलब सॉइल का जो बेसिक पैरामीटर है जो ठीक किया जा सकता है, या फिर आपका जो चीज़ है कि ठीक नहीं किया जा सकता, तो उधर आपका फार्मिंग बेसिकली अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, ये मेन चीज़ हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि बहुत जगह में आपका पानी सोख कर लेता है, तो हम लोग उधर क्या कर रहे हैं कि पॉन्ड लाइनर या फिर जो कम दाम का जो प्लास्टिक है वो लोग अच्छा से देख के फिर उसका ऊपर फार्मिंग करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो बड़ा पॉन्ड हो गया 1 बीघा 2 बीघा वो सबका फार्मिंग, जैसा देखिए बीघा डिफर करता है, बंगाल का बीघा बिहार का बीघा सब डिफर करता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या चीज़ हो रहा है, कि क्या कर रहा है, बोल रहा है कि इसमें खर्च कम है, ये कम है वो कम है और ये अच्छा है। तो ये क्यों बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहें तो आपका पॉन्ड में भी कर सकते हैं ऐसा, और ये सब बोल रहे हैं वो लोग, पॉन्ड में भी कर सकते हैं, आप टैंक में भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या आता है, देखिएगा, वो अगर आपका पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है जो बायोफ्लॉक करने के लिए भी आप मिट्टी खोद के प्लास्टिक, कम दाम का प्लास्टिक लगा के आप लोग उधर फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर वो लोग वही चीज़ लिए हैं, हो गया, ये लोग कॉपी पेस्ट किए हैं। ठीक है, एकदम कॉपी पेस्टिंग का मास्टर लोग है, हो गया। उसके बाद वो लोग क्या किए, जो एरिएशन बायोफ्लॉक का या फिर सुपर इंटेंसिव फिश फार्मिंग का लिए, और इंटेंसिव फिश फार्मिंग के लिए हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू एयर पंप हम लोग जो देते हैं आर्टिफिशियली टैंक में, वो चीज़ वो लोग कॉपी किए कि वो दे भी सकते हैं, तो अगर नहीं रहता है बैकअप तो भी अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद दूसरा चीज़ क्या हो गया, आपका बैक्टीरिया, देखिएगा बैक्टीरिया आपका पॉन्ड का जो मिट्टी होता है ना,
पॉन्ड का मिट्टी में एक्टिव वे में बैक्टीरिया रहता है। वो आप जिस भी ग्रुप का बोलिए, आप लोग अगर जिस जो लोग बायोफ्लॉक का इनोकुलम से परिचित हैं उन लोग को पता है कि आपका बैक्टीरिया सोर्स इज नीडेड। जो लोग बोलते हैं कि हम बायोफ्लॉक विदाउट प्रोबायोटिक कर रहे हैं, वो लोग का मेरा इधर एक चीज़ है कि प्रोबायोटिक ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको क्या चाहिए? बैक्टीरिया सोर्स। बैक्टीरिया सोर्स लेके आपको काम करना पड़ेगा। वो आपका पॉन्ड का मिट्टी, आपका बैम्बू ट्री का, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही चीज़ इधर मिट्टी को देना पड़ेगा। फिर आपको जो गोबर का साड़ है, मतलब काउडंग्स फर्टिलाइज़र, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, दो टाइप्स का फर्टिलाइज़र मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो हम आर्टिफिशियल क्या बोले, हम का केमिकल फर्टिलाइज़र पकड़ लीजिए, जैसे यूरिया और सिंगल फॉस्फेट, तो ये चीज़ ही इसमें भी यूज़ हो रहा है, या फिर उन लोग का जो प्रोडक्ट है उसमें भी ये तो प्रेजेंट है। इधर क्या हो रहा है, इस सब का प्लैंकटन रेडी हो रहा है, मिट्टी से आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सोर्स एक्टिव बैक्टीरिया है, तो उधर देखिएगा आपका प्लैंकटन भी रेडी हो रहा है, बैक्टीरिया भी रेडी हो रहा है विदाउट एनी कॉस्टिंग। तो उधर वो लोग इसका मार्केटिंग करने के लिए या फिर इसमें कुछ अपना इनकम के लिए वो लोग ट्रेनिंग, कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहा है, बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल है, अगर इतना ही सिंपल है, हम जो देखे, हम जो सुने, मेरा लोकल में एक लड़का किया था, उन लोग का प्रोडक्ट लेके एक बार किया, उसका बाद मेरा गाइडेंस में हम जो बोले कि ना यार सिंपल, हम लोग पहले भी ऐसा किया, हम लोग 20 ईयर से उस टाइप का फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक चीज़ है कि हम लोग वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं किए। टिल नाउ आई हैव नॉट यूज़ हिज दैट सेमी बायोफ्लॉक प्रोडक्ट्स बिफोर। हमने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया था एकदम थर्ड क्लास, और उसका जो रिपूटेशन है वो भी थर्ड क्लास चल रहा है, सभी का पास ही हम मैक्सिमम सुनते हैं कि उसका खराब रिजल्ट है। तो हो गया, कोई बात नहीं, उसका बिजनेस वो पकड़े, हमको क्या आता जाता है। तो फिर क्या हो गया, हम उससे पकड़े, वो लड़का किया, बोला रिजल्ट अच्छा नहीं है, उसके बाद वो चाटो टैंकी और बैठा या वो मेरा गाइडेंस में मेरे से सुन के किया कि दादा क्या करें, तो उसको एकदम सिंपली कराएं। तो देखिए, चीज़ तो सिंपल है, वो लोग जस्ट एक नाम बैठा दिया है, सेमी बायोफ्लॉक बोल के कुछ अलग टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आप लोग आपका बायोफ्लॉक का थ्योरी में आप लोग कुछ अपना टाइप से नया करके दे देते हैं, तो फिर उधर प्योर बायोफ्लॉक नहीं हो रहा, आपका साइड से कुछ एडिशन है। तो वही चीज़ है कि आपका उधर थोड़ा बहुत सेमी बायोफ्लॉक अगर पकड़िए तो वही। फिर भी हम आपको एक और बार आपको इस वीडियो में बोलेंगे कि सेमी बायोफ्लॉक बोल के कुछ भी अलग चीज़ नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बायोफ्लॉक इज़ द टेक्नोलॉजी प्रूव्ड बाय वर्ल्ड वाइड, सब जगह में ये बायोफ्लॉक ही अभी आप पकड़ लीजिए, तो अगर आप मेजोरिटी वोट पकड़ेंगे तो है। लेकिन इंडिया में फेल, जो लोग फेल हो रहे हैं उन लोग का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर रीजंस देखेंगे तो आपका पकड़ में आ जाएगा। यही चीज़ है कि जो लोग मटेरियल और ट्रेनिंग देता है वो लोग का एकदम मतलब प्रॉपरली नहीं कर रहा है, वो लोग हम लोग बोलते शौत भावे बंगाली में बोलते हैं, मतलब वो लोग क्या बोलिएगा आप कि वो लोग प्रॉपरली नहीं कर रहा, वो लोग फ्रीडम, मतलब आप फ्रीडम क्या, उन लोगों को तो फ्रीडम दे रहा है लेकिन वो लोग ट्रूथ नहीं मान रहा, बोलते हैं ना ट्रूथ नहीं मान रहा है, वही चीज़ है कि वो लोग इंसान के साथ धंधाबाजी करता है और वो लोग ठगा देते हैं, ठीक है, तो वो लोग ठगेंगे। तो मेरा चीज़ है, आपको ठग के सीखना पड़ेगा, सब बिजनेस में ठगने का चांस है, बायोफ्लॉक में भी है, आपको ऐसा कर करना पड़ेगा। और देखिए, सेमी बायोफ्लॉक बोल के अलग कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये चीज़ आप लोग क्लियर रख लीजिए। हम वीडियो में एक ही चीज़ बोलेंगे, इट इज़ टू मच क्लियर, कि यही एक तो पॉन्ड कल्चर को आप छोटा बड़ा सब जगह में कर सकते हैं, प्लैंकटन और बैक्टीरिया को एक साथ में कॉम्बिनेशन में रख के, ठीक है। और ये चीज़ कर रहा है कि रेनू जो बोलते हैं, स्पॉन का जो नर्सिंग बोल रहा है ये लोग, तो स्पॉन का नर्सिंग सेमी बायोफ्लॉक में अच्छा होता है। देखिए, पॉन्ड में स्पॉन का नर्सिंग ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए नर्सिंग पॉन्ड अलग करके होता है। जो लोग हैचरी लाइन में है, जो लोग हैचिंग आता है, वो लोग जानते हैं, ठीक है। स्पॉन का नर्सिंग में प्लैंकटन अच्छा काम करता है, बैक्टीरिया भी अच्छा काम करता है, तो वो सब क्या होता है कि आपका स्पॉन अच्छा से खाती है प्लैंकटन, तो ये सब डिफर करता है। तो ये सब होगा, प्लैंकटन अगर ग्रो करेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। तो वही चीज़ है, पॉन्ड का थ्योरी वो लोग छोटा जगह में भी आप लोग कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ज़रूर कीजिए।
लेकिन सेमी बायोफ्लॉक बोल के अलग कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जस्ट ओल्ड टेक्नोलॉजी को ही अपना थोड़ा बहुत प्रोडक्ट से रिप्लेस मतलब बेचने के लिए और ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए, कुछ लोग तो ट्रेनिंग देना शुरू भी कर चुके हैं, तो ट्रेनिंग देने के लिए ही ये बाज़ार में ये लोग ये नाम तो लाए हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको बोलेंगे आप लोग अच्छा से फिश फार्मिंग कीजिए, फिश फार्मिंग को सक्सेस कीजिए, इंडिया को बांग्लादेश का टक्कर देने के लिए आप लोग लेके जाइए, बांग्लादेश की तरह हम लोग को मछली का पालन करना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरह हम लोग को मछली का उत्पादन करके इंसान का जो मछली का चाहिदा है वो तो रिड्यूस करना पड़ेगा, और वी शुड गेन सम प्रॉफिट, प्रॉपर प्रॉफिट। मछली का फार्मिंग में जो लाभ है वो दूसरा कोई फार्मिंग नहीं है। तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे।